हत्या कर दी गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल चुकी है। सूचना पर पहुंची ऊंचाहार पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के मणिराम पुल का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में एक अधेड़ की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल चुकी है। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के मणिरामपुर निवासी महावीर मृतक का नाम बताया जा रहा है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर रायबली से आ रही है, जहां पर एक अधेड़ युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर रायबली जिले से आ रही है, जहां पर ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में एक अधेड़ की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल चुकी है। फोन लाइन पे जोड़ रहे हैं और उनसे हम सीधा जानेंगे क्या है मामला। विपुल, ऊंचाहार में ये मणिरामपुर के पास पहुंची क्या घटना हुई है? जी सूरज जी, मैं बताना चाहूंगा कि मामला मणिरामपुर पुल के पास का है। करीबन बताया जा रहा है कि 8:30 या 9:15 बजे के आसपास शंभु यादव नाम का एक व्यक्ति, जो कि महावीर का पुरवा गंगेरा गुलालगंज का रहने वाला बताया जा रहा है, और वो किसी पान की दुकान पे बैठा हुआ था। तभी जानकारी मिल रही है कि गांव के ही किसी शख्स ने किसी पुरानी रंजिश के चलते उस शंभु नाम के व्यक्ति को गोली मार दी और उससे अफरा तफरी मच गई वहां पर और आरोपी मौके से फरार हो गया। वही मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा घायल शख्स को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल पुलिस जो है आरोपी युवक के घर छापेमारी के लिए जो है टीम बनाकर वहां पे जा चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी जानकारी के लिए। ज्यादा जानकारी के साथ ऊंचाहार से विपुल शुक्ला हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जोड़ रहे हैं और उनसे हम सीधा जानेंगे क्या है मामला। विपुल, ऊंचाहार में ये मणिरामपुर के पास पहुंची क्या घटना हुई है? जी सूरज जी, मैं बताना चाहूंगा कि मामला मणिरामपुर पुल के पास का है। करीबन बताया जा रहा है कि 8:30 या 9:15 बजे के आसपास शंभू यादव नाम का एक व्यक्ति, जो कि महावीर का पुरवा गंगेरा गुलालगंज का रहने वाला बताया जा रहा है, और वो किसी पान की दुकान पे बैठा हुआ था। तभी जानकारी मिल रही। इस वक्त की बड़ी खबर रायबली जिले से आ रही है, जहां पर ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में एक अधेड़ की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल चुकी है। सूचना पर पहुंची ऊंचाहार पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के मणिराम पुल का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में एक अधेड़ की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल चुकी है। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के मणिरामपुर निवासी महावीर मृतक का नाम बताया जा रहा है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर रायबली से आ रही है, जहां पर एक अधेड़ युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर रायबली जिले से आ रही है, जहां पर ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में एक अधेड़ की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल चुकी है। सूचना पर पहुंची ऊंचाहार पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के मणिराम पुल का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में एक अधेड़ की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल चुकी है। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के मणिरामपुर निवासी महावीर मृतक का नाम बताया जा रहा है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर रायबली से आ रही है, जहां पर एक अधेड़ युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर रायबली जिले से आ रही है, जहां पर ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में एक अधेड़ की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल चुकी है। सूचना पर पहुंची ऊंचाहार पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के मणिराम पुल का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में एक अधेड़ की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल चुकी है। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के मणिरामपुर निवासी महावीर
मृतक का नाम बताया जा रहा है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर रायबली से आ रही है, जहां पर एक अधेड़ युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर रायबली जिले से आ रही है, जहां पर ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में एक अधेड़ की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल चुकी है। सूचना पर पहुंची ऊंचाहार पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के मणिराम पुल का बताया जा रहा है। इस वक्त बड़ी खबर बता दें कि हत्या कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर रायबली जिले से आ रही है, जहां पर ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में एक अधेड़ की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल चुकी है। सूचना पर पहुंची ऊंचाहार पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के मणिराम पुल का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में एक अधेड़ की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल चुकी है। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के मणिरामपुर निवासी महावीर मृतक का नाम बताया जा रहा है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर रायबली से आ रही है, जहां पर एक अधेड़ युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर रायबली जिले से आ रही है, जहां पर ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में एक अधेड़ की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल चुकी है। सूचना पर पहुंची ऊंचाहार पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के मणिराम पुल का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में एक अधेड़ की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल चुकी है। घायल शख्स को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल पुलिस जो है आरोपी युवक के घर छापेमारी के लिए जो है टीम बनाकर वहां पे जा चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी जानकारी के लिए। ज्यादा जानकारी के साथ ऊंचाहार से विपुल शुक्ला हमारे संवाददाता। क्षेत्र में एक अधेड़ की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल चुकी है। सूचना पर पहुंची ऊंचाहार पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के मणिराम पुल का बताया जा रहा है।